हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हो टेक न्यू मेथड। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और इस बेल आइकन भी दबा देना हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ एआर इफेक्ट्स के बारे में। एआर इफेक्ट्स क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर सिंपल है दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको समझ में आएगा कैसे एआर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपनी बैकग्राउंड अभी सिंपल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको एआर इफेक्ट्स लगा के दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी तक मेरा 3, 2, 1 ये स्टार्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, मेरे आंखों पे चश्मे आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एआर इफेक्ट्स ये होता है कि आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करिए या फिर कुछ भी कर सकते हैं। एआर इफेक्ट्स में यही खूबी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दूसरे भी एआर इफेक्ट्स लगा के दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो सिंपल है दोस्तों, इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपल आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और दिखाते हैं और आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना और कैसे यूज़ करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको 2-3 दिखा चुका हूँ। तो सिंपल है दोस्तों, चलिए अपने मोबाइल की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं अपने वीडियो को कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। ये है हमारा एप्लीकेशन, कुछ आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको क्लिक करते ही आप डायरेक्ट यहाँ पास आ जाएंगे। तो यहाँ पास आने के बाद आपको सिंपल है, यहाँ पास जहाँ पास ओपन का बटन दिखा वहाँ पास इंस्टॉल का बटन, आप इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल हम कैमरे वाले बटन पर प्रेस करके हम कैमरे में चले जाएँगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम कैमरे में प्रेस करके हम कैमरे में चले आए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी वीडियो चल रही है, मैं आपको कैमरे में डायरेक्ट दिखाई दे रहा हूँ। तो सिंपल आपको यहाँ पास इमोजी वाले बटन पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाए। बहुत सारे यहाँ पास दिख रहे होंगे कि आपको कौन सा एफेक्ट्स लगाना है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। जहाँ पास MY लिखा है, माई मतलब कि वहाँ पास मैंने कुछ डाउनलोड करके लिखे हैं सैम्पल आपके लिए। तो यहाँ पास आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, डाउनलोड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना, वहीं पास साइड में लगा हुआ है। तो सिंपल आप जैसे डाउनलोड करना देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ये है इसके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इतने सारे मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने जैसे क्लिक किया, मेरा बैकग्राउंड ब्लर हो, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। और आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप बहुत सारे तरीके के लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपके सामने